आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की चेतावनी, हनी ट्रैप वाले अफसरों का करेंगे खुलासा। बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल, ज्वाइन करेंगे विधानसभा सत्र। विद्युत मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा, बिजली को लेकर भ्रम फैला रहे हैं कुछ राजनेता। रायपुर में सनसनीखेज वारदात, दो युवतियों की हत्या। और भोपाल के पंचशील नगर में हैवानियत, युवक को बांधकर जलाया। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ सरकार अधिकारियों की उंगलियों पर नाच रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई बड़े अधिकारी हनी ट्रैप में फंसे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने उन अधिकारियों को बेनकाब नहीं किया तो हम उन्हें बेनकाब करेंगे। हनी ट्रैप मामला अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। एक पत्रकार द्वारा पूर्व मंत्री और अधिकारियों के ऑडियो वीडियो जारी होने के बाद अब आगे किसी तरह का कोई कड़वा सच सामने ना आए, इसके लिए पत्रकार के दफ्तर को सील कर दिया गया था। मगर अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद मध्य प्रदेश में एक नया भूचाल आ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ सरकार अधिकारियों की उंगलियों पर नाच रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई बड़े अधिकारी हनी ट्रैप में फंसे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने उन अधिकारियों को बेनकाब नहीं किया तो हम उन्हें बेनकाब करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से अब अधिकारियों से लेकर नेता सबके में आ गए हैं। ये हनी ट्रैप, इसमें पूरे की पूरे मुख्यमंत्री अधिकारियों की उंगलियों पर नाच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े अधिकारी संलग्न हैं, मुझे जानकारी मिली है। और ये बहुत गंभीर बात है कि यदि अधिकारी संलग्न हो और अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के धमाके करें, जैसा कि इंदौर में हुआ है, इस धमाकों से वे अधिकारी बच नहीं पाएंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूँ उन सब अधिकारियों को भी जो इसमें फंसे हुए हैं, कि वो बेनकाब होंगे और सरकार ने नहीं किया तो हम बेनकाब करेंगे। पवई विधायक प्रहलाद लोधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा यह जानकारी दी गई है। पवई विधानसभा रिक्त होने की जानकारी के संबंध में चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया था वो पत्र भी निरस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद से ही लोधी की सदस्यता बहाल होने की संभावना बढ़ गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोधी की सजा को माफ नहीं किया है, लेकिन निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई है। उल्लेखनीय है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ लंबित केस की सुनवाई में पिछले महीने भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लोधी की सदस्यता रद्द कर दी थी। आपको बता दें कि भोपाल की विशेष अदालत से लोधी को मिली सजा पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। इसी के विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार की SLP खारिज कर दी। अब लोधी की विधायकी बहाल हो गई है। इससे पहले विधानसभा ने लोधी को अयोग्य करार दिया था। न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनकी सदस्यता हुई थी निरस्त, तो पद रिक्त मेरे द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिला, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से स्टे को यथावत रखा गया। ऐसी परिस्थितियों में प्रहलाद लोधी की सदस्यता जो रिक्त की गई थी अब उसे वापस की जा रही है और उन्हें वापस वही अधिकार विधानसभा के अंदर देने की मेरे द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, ताकि वो विधिवत अपने कार्य संचालित विधायक के रूप में कर सकें।
आपको बता दें कि यह मामला क्या है। दरअसल तहसीलदार से पिटाई के एक पुराने मामले में लोधी को भोपाल की विशेष कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी थी। सजा के खिलाफ लोधी ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें हाईकोर्ट ने 7 जनवरी तक सजा पर स्टे दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका SLP पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने SPL पर दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया। लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पुष्पेंद्र कौरव ने पक्ष रखा था। अब लोधी की विधानसभा सदस्यता फिर बहाल कर दी गई है। लोधी अब आने वाले सत्र में शामिल हो सकेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई अब वैधानिक अड़चन नहीं है, और इस कारण से जैसा उनका कमिटमेंट था भोपाल में कि सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश होगा पक्ष में तो सदस्यता बहाल हो जाएगी, वो मेरे पास में रिकॉर्ड में है, तो सदस्यता बहाल। MP के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि प्रदेश में बिजली की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन कुछ राजनेता आम बिजली उपभोक्ताओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये लोग प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। कुछ राजनेता लोग आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा उनकी सरकार लगातार बिजली की स्थिति को सुधार रही है। बिजली के मसले पर पहले से ज्यादा काम हो रहा है, लोगों के बिजली के बिल कम आना शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। प्रदेश में आम बिजली उपभोक्ताओं को कुछ राजनेताओं द्वारा गुमराह किया जा रहा है। अधिकांश प्रदेश में लोग लाभ ले रहे हैं, प्रदेश खुशहाल हो रहा है। बैतूल में 93% व भोपाल में 82% लोगों ने लाभ हासिल किया है। 1,17,00,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। इस बात को मीडिया ने भी दिखाया है, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत जिलेवार भी मेरे पास आंकड़े हैं। अगर आप बैतूल जिले का आप देखेंगे तो इस महीने अक्टूबर में 93% जो हमारे घरेलू उपभोक्ता है उसका लाभ बैतूल जिले में इंदिरा गृह ज्योति योजना की सब्सिडी का लाभ मिला है। अगर हम भोपाल में जाएं तो भोपाल में लगभग 82% इसका लाभ मिला है। तो लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास का आंकड़ा इसमें बनता है। हमारे 1,17,00,000 उपभोक्ता है घरेलू क्षेत्र के, और लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। महिलाओं पर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हैदराबाद, फिर उन्नाव की घटना के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं पर हमले की वारदात ने देश को हिला कर रख दिया है। रायपुर के टीकापारा इलाके में अज्ञात हमलावर ने 2 युवतियों पर चाकू और लोहे के तवे से हमला कर दिया और हमलावर फरार हो गए। राजधानी रायपुर के टीकापारा इलाके में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने 2 युवतियों पर चाकू और लोहे के तवे से हमला कर दिया। युवतियों पर चाकू और लोहे के तवे से कई वार किए जाने के बाद हमलावर वहां से भाग निकले। लहूलुहान युवतियों को तड़पता देखकर आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अंबेडकर अस्पताल भेजा, जहां दोनों युवतियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार की रात 12 बजे की है। दोनों युवतियां किराए के मकान में रहती थी, जिस दौरान उनके ऊपर हमला हुआ उस दौरान वो दोनों घर पर ही मौजूद थी। मृतक एक लड़की की शिनाख्त मनीषा सिदार के रूप में की गई है। वह रायगढ़ जिले की रहने वाली थी और यहाँ पिछले 2 साल से किराए के मकान में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। दूसरी युवती की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वह कल ही मृतका से मिलने पहुंची थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसके बाद ही दोहरे हत्याकांड से पर्दा उठ पाएगा कि दोनों युवतियों की हत्या क्यों की गई है और हत्यारे कौन है। दोनों युवतियों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पंचशील नगर स्थित सरदार पटेल स्कूल के अंदर स्टोर रूम में एक जली हुई लाश की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। कहा जा रहा है कि पहले जंजीर से बांधकर युवक की हत्या की गई होगी, उसके बाद युवक की पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया गया होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह वही युवक हो सकता है जो पंचशील नगर से करीब 4 दिन से लापता है। युवक के परिजनों को मौके पर बुलाया गया है, हालांकि परिजन को अभी लाश नहीं दिखाई गई है। राजधानी के पंचशील नगर में सरदार पटेल स्कूल के अंदर एक जली हुई लाश मिली है। संभावना जताई जा रही है कि युवक की हत्या के बाद शव को स्कूल के अंदर लाकर स्टोर रूम में जला दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और मंत्री PC शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। DIG इरशाद वली ने बताया कि लाश पूरी तरह से जली हालत में मिली है। लाश युवक की है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि देखकर शिनाख्त की जा सके। DNA रिपोर्ट के बाद ही लाश की शिनाख्त हो पाएगी। उन्होंने कहा कि लाश के पास से एक जंजीर भी मिली है। जंजीर लाश के गले में फंसी हुई मिली थी। स्कूल के CCTV फुटेज लिए जा रहे हैं।
जो बॉडी है मतलब 100% चार्ड है, तो ये जो डॉक्टर का ओपिनियन है कि 24 से 48 घंटे के बीच का भी हो सकता है। बताया जा रहा है 4 दिन पहले एक लड़का यहाँ से गायब हुआ था। अब वो डिटेल्स जो हैं अभी जैसे पीएम हो जाता है डीएनए रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे उनकी टीथ वगैरह देख करके तब पता चल जाए। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि युवक की उम्र 24 से 25 साल है, आरोपी स्कूल की बाउंड्री फांद कर अंदर गए हैं, लेकिन कितने आरोपी हैं अभी नहीं कहा जा सकता। युवक की हत्या के बाद लाश को जलाया गया है। शर्मा ने कहा कि शाम तक पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। पुलिस ने पंचशील नगर से करीब 4 दिन से लापता युवक अनिल के परिजनों को मौके पर बुलाया है, हालांकि परिजन को अभी लाश नहीं दिखाई गई है। बहुत क्लियर नहीं है, अभी केवल एक संदेह है। जो एक्सपर्ट हैं लीगो एक्सपर्ट फॉर उनको बुलाया गया है, अशोक शर्मा जी, और डीएनए टेस्ट होने के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्ट क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ 75% पुलिस वहाँ तक पहुँच गई है। आदर्श रोड बनाने को लेकर खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने राजीव गांधी चौराहे से लेकर राव बायपास तक साइकिल से भ्रमण किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के साथ साथ यातायात नियमों के पालन करने की सलाह दी। इंदौर में राजीव गांधी चौराहे से लेकर राव बायपास चौराहे तक की सड़क को आदर्श रोड बनाने की कवायद सरकार कर रही है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी एक फिट मंत्री माने जाते हैं। उन्हें कई बार इंदौर की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा गया है। इस बार भी वे अधिकारियों के साथ साइकिल से क्षेत्र का भ्रमण करने निकले और आदर्श रोड विकसित करने के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जीतू पटवारी ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान पटवारी ने जगह जगह रुक कर नागरिकों से चर्चा की और उनकी परेशानियां सुनी। जीतू ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाने तथा यातायात के नियमों का पालन करने के संबंध में भी आग्रह किया, साथ ही इंदौर को स्वच्छ बनाने की अपील की। साइकिल भ्रमण में जीतू पटवारी के साथ संभागायुक्त, कलेक्टर, निगमायुक्त और अन्य अधिकारी भी साइकिल में सवार थे। कलेक्टर ने बताया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। आज एक प्रशासन का इंदौर जिला प्रशासन और सभी ट्रैफिक व्यवस्था और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आत्मसात करने का के उद्देश्य से आज का आयोजन है। आज आवश्यकता इंदौर शहर को कि जैसा नंबर 1 शहर हमारा सफाई में आया, नगर निगम को इसके लिए कर्मचारियों को जो हम बधाई देते हैं, साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ और ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक नियमों के रूल का पालन, इसमें नंबर 1 शहर कैसे आए हमारा, इस जागृति को लेकर आज हम ये आदर्श मार्ग राजीव गांधी प्रतिमा से राव तक का बनाने की प्रयास से प्रशासन का आज दौरा है। और ये प्रार्थना भी है पब्लिक से कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आत्मसात करें, साथ ही साथ ट्रैफिक के रूल्स को माने। ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, अधिकाधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उपयोग करना, ये बहुत एक अहम पहलू है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से हम लोग निरंतर सिटी बस सर्विसेज का एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसी दिशा में जो अगला प्रोजेक्ट है वो राजीव गांधी चौराहे से राव का जो रोड है वहाँ पे हम लोग सिटी बस सर्विस एक्सपेंड कर रहे हैं और इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल का प्लान करके पीपीपी मोड बस स्टॉप हम लोग प्लान करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में रोज उतार चढ़ाव का माहौल बना रहता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि राजनीति एक लक्षाग्रह है, संभावनाओं का खेल है, मध्य प्रदेश में भी कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में दावा नहीं कर सकते कि वो अमर है, अविनाशी है। मध्य प्रदेश की राजनीति वनडे क्रिकेट मैच की तरह है। सत्ता पक्ष में बैठे नेता विपक्ष पर आरोप लगाते हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे मध्य प्रदेश की राजनीति के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। भार्गव ने कहा कि राजनीति अब संभावनाओं पर आधारित है, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, संख्या बल एक समान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आगे कहा कि राजनीति का पेंडुलम इस तरफ या उस तरफ हुआ तो राजनीति के हालात बदल सकते हैं। राजनीति एक लाक्षाग्रह है, संभावनाओं का खेल है, मध्य प्रदेश में भी कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में दावा नहीं कर सकते कि वो अमर है, अविनाशी है। सकता आप स्वाभाविक है, राजनीति जो है उस जानते हो, राजनीति जो है एक लाक्षाग्रह है, तो इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि संख्या बल लगभग समान है,
सत्ता संतुलन ऐसा है कि जरा सा पेंडुलम इस तरफ उस तरफ हुआ तो कोई भी जा सकता है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसानों के बड़े बड़े वादे कर भूपेश बघेल सरकार सत्ता में आई और लगभग एक साल पूरा होने पर भी जब सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई तो अब सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर खरीदी केंद्रों का बहिष्कार किया है। छत्तीसगढ़ सत्ता पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वादा न पूरा किए जाने से भूपेश बघेल सरकार से किसान वर्ग इन दिनों काफी नाराज चल रहा है। किसानों की कर्ज माफी, 2500 क्विंटल की दर पर धान खरीदी, धान पर बोनस और पिछले दो साल के रुके बोनस की राशि देने के वादों ने राज्य में दम तोड़ दिया है। किसानों का कहना है कि धान की खरीदी पुराने दर पर भी की जा रही है, धान खरीदी की सीमा भी कम कर दी गई है, पिछला बोनस नहीं दिया गया है, इस बार भी खरीदी का बोनस मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। राहुल गांधी के वादों को सच मानकर भूपेश बघेल को किसानों का हितैषी मानने वाले किसान अब भूपेश बघेल का पुतला दहन कर अपने भाग्य को कोसने लगे हैं। तय सीमा में धान लेने से नाराज किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और खरीदी केंद्रों का बहिष्कार किया है। जिले के कई केंद्र में विवाद के हालात बने हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक दलों ने भी सरकार के विरोध का ऐलान किया है। नेशनल हाईवे 146 पर ग्राम अटारी खेजड़ा के पास रात में भोपाल से सागर के रहली जा रही एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार की टक्कर के बाद तेज आवाज आई, वहां रास्ते से गुजर रहे अन्य लोगों ने मुश्किल से कार में फंसे दो घायलों को बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। विदिशा नेशनल हाईवे 146 पर ग्राम अटारी खजेड़ा के पास भोपाल से सागर रहली जा रही कार खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसपे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक रहली के जैन परिवार के बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार रहली निवासी अनिल कुमार जैन अपने परिवार के साथ भोपाल में एक गमी के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कार खड़े ट्रक में भिड़ गई, जिसमें अनिल के अलावा कुसुम जैन, सुनीता जैन और एक बालक अनुज जैन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ज्योति जैन और आस्था जैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार की टक्कर के बाद तेज आवाज आई, जिसके बाद वहां रास्ते से गुजर रहे अन्य लोगों ने मुश्किल से कार में फंसे दो घायलों को बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई और मौके पर ही चार लोगों की जान चली गई। रहली से परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बिजौर के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार करीब 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बस चालक घटना के बाद से मौके से फरार बताया जा रहा है। जबलपुर में बिजौरी के पास अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई। बस में करीब 40-50 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस जबलपुर से धुमा जा रही थी और टू व्हीलर को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना हुई। घटना के बाद से ही बस चालक फरार बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में करीब एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में स्टाफ की कमी और एम्बुलेंस ना होने की वजह से डायल 100 से ही घायलों को जबलपुर मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। यहाँ घायलों का इलाज किया जा रहा है। ओपी श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश जनसंपर्क संचालक के रूप में काम शुरू कर दिया है। श्रीवास्तव ने कहा, जनसंपर्क विभाग सरकार और जनता के बीच का एक सेतु है, इसके जरिए हम अपनी बात लोगों को समझाएंगे। अब तक रीवा कलेक्टर रहे ओपी श्रीवास्तव ने जनसंपर्क संचालक के रूप में अपना काम शुरू कर दिया है। यह पद लंबे समय से खाली था। जनसंपर्क संचालनालय पहुंचकर ओपी श्रीवास्तव ने संचालक जनसंपर्क का पदभार ग्रहण कर लिया।
जनसंपर्क संचालक पद के लिए लंबे समय से एक माकूल अधिकारी की तलाश चल रही थी जो सरकार और मीडिया के बीच ठीक से काम कर सके। पिछले दिनों सरकार ने विकास नरवाल को संचालक बनाया था, लेकिन कार्यभार संभालने से पहले ही उनका आदेश निरस्त कर दिया गया। उन्हें जनसंपर्क विभाग के मुफीद नहीं माना गया था। श्रीवास्तव के नाम पर सभी स्तरों पर सहमति बनी और उन्हें यह पद दिया गया है। श्रीवास्तव का कहना है, जनसंपर्क विभाग सरकार और जनता के बीच का एक सेतु है, इसके जरिए हम अपनी बात लोगों को समझाएंगे। देखिए, अभी तो मेरा पहला दिन है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पूरा समझने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें समझना है, इसके बाद हमारे कई स्टेक होल्डर्स हैं, पत्रकार हैं, मीडिया में भी कई सारे वर्ग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बीच में हमें समन्वय करना है। तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन, एक लाइव कम्युनिकेशन हमारे बीच हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। समन्वय की भी आवश्यकता है, हमें अपनी बात लोगों को समझाना है और हमें उस भाषा में समझाना है जिस भाषा में लोग समझते हैं। यही एक तरह से प्रोफेशनलिज्म है इस विभाग का, जिसको हम करने का प्रयास करेंगे। सिंगरौली में आईजी चंचल शेखर ने अपराधों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला अपराध पर खासा ध्यान दिया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा, अपराध कैसे कम हो और पीड़ित को न्याय मिले, इस पर सबका ध्यान होना चाहिए। सिंगरौली में रीवा जोन के आईजी चंचल शेखर ने अधिकारियों के साथ वार्षिक अपराध समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में एसपी अभिजीत रंजन, एएसपी प्रदीप शेंडे ने अपराधों के बारे में आईजी को जानकारी दी। बैठक में अपराधों का त्रिवर्षीय नक्शा थानावार प्रस्तुत किया गया। 3 माह से अधिक अवधि के लंबित अपराध, जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की वर्तमान स्थिति पर आईजी ने चर्चा की। महिलाओं पर घटित अपराध का त्रिवर्षीय तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया। महिला अपराधों पर तीव्र गति से कार्यवाही करने के लिए भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साल का अंत होने वाला है, पुलिस में करीब 3000 से ऊपर मामले पंजीबद्ध हुए हैं। उन मामलों का पुलिस ने कैसे निराकरण किया और कितने मामले निराकृत नहीं हो पाए हैं, कितने में गिरफ्तारियां नहीं हो पाई है, ये देखना हमारा काम है। और इसके तहत आज हमने यहाँ की वो अपराधों की समीक्षा बैठक ली थी और मुझे ये बताते हुए बड़ा संतोष हो रहा है, रादर सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि गंभीर मामलों में बहुत कम ऐसे अपराध हैं जो सिंगरौली जिले में लंबित हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ते देश में अभी भी अंधविश्वास ने पैर पसार रखे हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास का किस्सा लखनऊ से सामने आया, जहां महुआ का पेड़ में अचानक लोगों की आस्था जग गई, मगर यह आस्था अब अंधविश्वास में बदल जाने से मुसीबत बन गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महुआ के पेड़ के दर्शन करने लखनऊ पहुंच रहे हैं। आस्था के नाम पर पेड़ के आसपास लोगों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया है। सिवनी के लखनऊ विकास खंड के ग्राम पंचायत मोहगांव में एक महुआ का पेड़ विगत 2 दिनों से आस्था का या यूं कहें अंधविश्वास का केंद्र बना हुआ है। इस अंधविश्वास के चलते यहां दिन रात लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि होशंगाबाद में भी पिछले दिनों कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह उड़ाई थी कि महुए के पेड़ को छूने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिसके बाद वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु महुआ के पेड़ को छूने पहुंचने लगे थे और प्रशासन की काफी मुश्किलों का बढ़ गई थी। लखनादौन में अंधविश्वास के चलते महुआ के पेड़ के आसपास हजारों की तादाद में भोले भाले आदिवासी किसान अपनी तकलीफ लेकर पेड़ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। गाइस बेखुल्ला आए हैं। कौन? दादाजी। कौन दादाजी? भोलेनाथ। अच्छा, हाँ। क्या बोला आपसे? कहीं चलो। हाँ। तो हम आ गए। अच्छा, हाँ। तो इस स्थान की क्या महिमा है? स्थान की जी जो कोई याद है तो उनके आराम हो रहा हो। क्या किस चीज का आराम है? सब चीज को, मतलब बताओ तो कुछ। जैसे अब पिंगरे में दर्द है, कमर में दर्द है तो आदमी के, जैसे सिर दर्द है तो आदमी के आराम हो रहा हो। मतलब एक आदमी ने कहा कि वो महंगाओं में कहीं वो पीपरा के पेड़ में कहीं वो मतलब वहाँ जा रहे सब आदमी, हाँ। तो कहीं चले जाओ आप, तो मैंने कहा ठीक है, हाँ। मेरा थोड़ा सा हाथ भी दर्द कर रहा था, हाँ। और मेरा सीना दर्द कर रहा था जी, आराम। बताया जा रहा है कि बढ़ती भीड़ के कारण ग्राम पंचायत मोगांव द्वारा जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल हेतु टैंकर की व्यवस्था कर दी गई है और वहां दुकानें भी शुरू हो गई हैं, जिसमें भक्तों के लिए पूजा प्रसाद के साथ नारियल और चाय नाश्ते की कैंटीन भी शामिल है। आस्था के नाम पर व्यापार किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बारे में पुलिस प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनल दुबे का कहना है कि लोगों की आस्था के कारण लोग वहां जा रहे हैं। जब कभी एक व्यक्ति अपने बिलीव के कारण ठीक हो जाता है तो उसके कारण बहुत से लोग उनसे जुड़ने लगते हैं।
यहाँ पे जो भी ग्रुप व्यवहार देखा जा रहा है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि ये विश्वास है, बिलीफ सिस्टम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं लोगों का जो व्यवहार है बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों की आस्था सच होती है क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस काम करते हैं, प्रकृति से आप जो भी मांगते हैं प्रकृति देती तो है ही, साइकोलॉजी इस बात को बिलीव करती है। तो वही बात है कि कुछ लोगों की जब बिलीव पूरी हो जाती है तो लोग और लोग भी उससे प्रभावित होकर कि शायद हमारी बिलीव्स भी वहाँ पे फुलफिल होंगी, पूरी होंगी। यहाँ पे कम्प्लीटली मैं ये कहना चाहती हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट कि यहाँ पे ग्रुप साइकोलॉजी काम कर रही है, समूह मनोविज्ञान जिसको बोलता है। फिल्म पानीपत को लेकर जाट समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है और फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर के खिलाफ नारेबाजी की। जाट समाज का कहना है कि फिल्म के निर्माता ने भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल के चरित्र को धूमिल करने का प्रयास किया है। विरोध स्वरूप जाट समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। हरदा में जाट समाज ने फिल्म पानीपत के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जाट समाज का कहना है कि फिल्म में निर्माता आशुतोष गोवारिकर ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है जिसमें भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल के विराट चित्रण को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। फिल्म में महाराजा को लालची व अभद्र भाषा बोलने वाले किरदार के रूप में दिखाया गया है जो कि सच्चे इतिहास के वास्तविक स्वरूप से किसी प्रकार से मेल नहीं खाता। ऐतिहासिक महापुरुष के चरित्र को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया गया है। समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में प्रताप टॉकीज के गेट के सामने जाकर फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर का पुतला दहन किया। टॉकीज के संचालक ने फिल्म को बंद करने का आश्वासन दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।